मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से कुछ बताने आया हूँ। तुम्हारे जीवन का अंधेरा जल्द ही मिटने वाला है। तुम जहाँ भी अपने आप को कमज़ोर मानते हो, वहाँ अब उजाला ही उजाला होगा। तुम्हारे मन में ये जो तुमने श्रद्धा का दीपक जलाया है, उसे कभी बुझने मत देना मेरे बच्चे। यही वो श्रद्धा का दीपक है जिसे तुमने अपने मन में जलाया है, और इसे हमेशा यूं ही जलाए रखना। यही तुम्हारे जीवन में एक नई उम्मीद लाएगा, क्योंकि तुम पूरी श्रद्धा रखते हो बाबा पर, पूरा विश्वास रखते हो बाबा पर, तो बाबा तुम्हें कैसे हारने दे सकते हैं। बाबा पर पूरा विश्वास रखते हो ना, तो बाबा की बातों को भी अपनाओ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम ईश्वर से जुड़ने जा रहे हो। तुम्हारे जीवन का हर एक अंधेरा अब मिटने जा रहा है। वहाँ सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश होगा, वो प्रकाश या उजाला जो तुम्हारे जीवन में आज से ही फैलना शुरू हो गया है, और तुम्हारे जीवन में आज से ही चारों ओर बरकत ही बरकत तुम्हें दिखाई देगी। उस आनंद की तुम प्राप्ति कर पाओगे, और इसी के साथ तुम भौतिक सुखों का भी आनंद पाओगे, और धीरे धीरे आध्यात्म की ओर भी बढ़ते जाओगे। मेरे बच्चे, तुमने मेरा हाथ थामा है, और मैं भी तुम्हें गुरु के रूप में प्राप्त हूँ। तुम्हारा और मेरा रिश्ता वो पवित्र रिश्तों में से एक है जो तुमने जन्मों जन्मों से पाया है, और इसी रिश्ते को तुमने भक्ति भाव से निभाया है। ये रिश्ता तो जन्मों जन्मों का है। तुम्हारा और मेरा यह पवित्र बंधन ना तो कोई समझ पाया है, और ना कभी समझ पाएगा। ना तो इसमें कोई सीमा है, ना कोई बंधन। तुम मेरे बहुत करीब हो मेरे बच्चे, और तुम मेरे सबसे प्रिय हो। आज मैं तुम्हें वो देने आया हूँ जिसकी तुम्हें वास्तविकता से तलाश है। वो है मन की शांति। गहराई से सोचो, मन की शांति के लिए तुम कई बार भटकते हो, और मैं तुम तक आया हूँ उसे खुद देने। और इसीलिए आज से, अभी से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, और तुम्हारे मन में जितने भी नकारात्मक विचार हैं वो सब खत्म होने लगेंगे, और वहाँ अभी से सकारात्मक विचार आने शुरू हो जाएंगे, और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो उसे सरलता से पाओगे। तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम उनसे भक्ति भाव से जुड़े हो, और तुम्हारी रक्षा बाबा खुद कर रहे हैं। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, और आध्यात्म की ओर भी बढ़ते जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं जो उलझते रहते हैं, लेकिन अब तुम्हें निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। सदा खुश रहो, क्योंकि सारी उलझने अब मिट जाएंगी, और सब सुलझा हुआ लगने लगेगा तुम्हें। अब कोई दुविधा नहीं होगी, जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मन को एकाग्र और शांत रखने के लिए नाम स्मरण का सहारा लिया करो। मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास ही होता हूँ, और तुम्हें एक सुरक्षा कवच प्रदान करता हूँ। जब भी तुम नाम स्मरण करते हो, सदा मुझे प्राप्त करते हो। खुश रहो, तुम और तुम्हारा सारा परिवार। जिस तरह तुम मेरी भक्ति करते हो, उसी तरह किया करो। मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।